दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, जनरल साइंस में बायोलॉजी के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं एसएससी के एग्जाम में। तो प्रीवियस ईयर के 500 से ज़्यादा एमसीक्यू ला रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एसएससी के एग्जाम में। जैसे कि सीएचएसएल काफ़ी करीब है, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और इसके पार्ट, ये देखिए हमारा चौथा पार्ट है, इसके तीन पार्ट आपको नीचे मैंने लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, नहीं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट दे सकते हैं। इसके पहले फिजिक्स के भी 10 पार्ट के लगभग कवर किए गए हैं, 300 से ज़्यादा एमसीक्यू, उसका भी लिंक फिजिक्स का भी नीचे है, आप वहाँ से देख लीजिए। क्योंकि हमको पता है कि साइंस से आपको अगर 25 क्वेश्चन का आता है आपका जलन अवेरस का सेक्शन, तो उसमें से 12 क्वेश्चन तकरीबन साइंस ही कवर करता है, जिसमें कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है। दैट्स वाई यहाँ पे बायो फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों कवर हो रहा है। ओके, आपको इससे हेल्प बहुत मिलेगी। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ फॉर्म चाहते हैं, तो आप फेसबुक पेज पे जाके आप इसका पा सकते हैं, नीचे वो भी लिंक है। और हमने एसएससी सीएचएसएल के लिए ग्रुप बनाया, स्टडी ग्रुप, जिसमें कि बच्चे स्टडी मटेरियल शेयर कर रहे हैं, अपने डिस्कशन शेयर कर रहे हैं, तो उससे भी आप नीचे लिंक है, टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होप कि आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे कि अनदर वीडियो अपलोड हो तब तक पहुँचे और आपको उससे हेल्प मिले। स्टार्ट करें अपने आज के पहले क्वेश्चन के साथ, इस चौथे पार्ट के। देखिए, पौधे में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? ठीक है, पौधे में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? कैम्बियम, फ्लोएम, इपिडर्मिस या फिर जाइलम। देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत बार रिपीट हुआ है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जाइलम। ठीक है, जाइलम पानी तथा खनिज लवण को जड़ से पौधों के अन्य भागों तक पहुँचाती है। जाइलम पौधों को दृढ़ता देता है। फ्लोएम पत्तियों, भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। ठीक है, तो जाइलम इसका जो होगा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, निम्नलिखित में से वे रक्त कणिकाएं कौन सी हैं जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती हैं? ठीक है, मतलब आप क्या प्रतिरोधक क्षमता बिल्ड करती हैं? वो श्वेत कोशिकाएँ हैं, एक केंद्रक रक्त कोशिकाएँ हैं, न्यूट्रोफिल उदासीन रागी या फिर लसिका कोशिकाएँ। आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर है देखिए वो है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 देखिए क्या है, श्वेत कोशिकाएं। देखिए, WBC श्वेत कोशिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं विशेष रुधिर कणिकाएं हैं जो कि शरीर के किसी रोग से संक्रमित होने पर उस विशेष संक्रमित स्थल पर पहुंचकर हानिकारक जीवाणु, बैक्टीरिया, विषाणु, वायरस, कवक, फंगस इत्यादि का भक्षण करके शरीर को संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अलावा वे शरीर के प्रतिरक्षक, एलर्जी तथा अति संवेदनशील की स्थिति महत्वपूर्ण, इन सारे मतलब में बहुत अच्छे से ये काम करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर को तापस्थाई करती है? ठीक है, विच इज द ग्लैंड दैट होल्ड द बॉडीज थर्मोस्टेट्स। देखिए क्या, पिनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अवटू ग्रंथि या फिर हाइपोथैमेलस। देखिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, हाइपोथैमेलस, जो है कि शरीर को तापस्थाई रखती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति कारण किसी पादक कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, कोशिका कला, केंद्रक नाभिक। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन है, क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, कोशिका कला या फिर केंद्रक नाभि। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है देखिए 1, क्लोरोप्लास्ट। अगर मैं इसके डिटेल की बात करूं, देखिए, निम्नलिखित उपस्थित कारण पादक कोशिका जंतु कोशिका में अंतर है। देखिए, पादक कोशिका इनमें कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। देखिए, पादक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, जंतु में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित नहीं होता है। तो ऑप्शन 1 जो है कि सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे, सॉरी, यहाँ कुछ प्रॉब्लम, हाँ ठीक है, अब सही है। देखिए, परागत ज्वर निम्नलिखित में से किसका लक्षण है? परागत ज्वर, हे फीवर इज अ साइन ऑफ, कुपोषण, एलर्जी, वृद्धावस्था या फिर कार्याधिक। ठीक है, ओवरवर्क। तो इसका देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एलर्जी। एलर्जी इसका सही आंसर। देखिए, एलर्जी एक कारण नाक के वायु मार्गों का प्रदाह होना, पराजक ज्वर। ठीक है, एलर्जी इसको कहते हैं, नाक श्लेषा कला जब पौधों के पराग के प्रति एलर्जी के कारण प्रभावित होती है, जिससे व्यक्ति की नाक में खुजली होती है, आग से पानी गिरता है, छींकें आती हैं, तब यह अवस्था पराजक ज्वर कहलाती है, जो कि हम उसको सामान्य भाषा में एलर्जी करके सिट्रिजिन खा के फिर उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस बीमारी से जुड़े हैं? पिशुचिका, हैजा,
अंत्रज्वर, चेचक या फिर लकवा। इस देखिए, इसके पहले मैंने आपको बताया है ऑप्शन, इसका जो सही है वो है टाइफाइड। इसके बारे में मैंने डिटेल आपको बताया था, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। सॉरी, इसका जो सही आंसर है, सॉरी, ऑप्शन नंबर 3 होगा, या चेचक। ठीक है, स्मॉल पॉक्स। ठीक है, देखिए, एडवर्ड जेनर सन 1849 से, इनकी आयु जो थी वो 1849 से, सॉरी 1749 से 1823 तक, अंग्रेज काम चिकित्सक तथा चेचक के टीके के आविष्कारक थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया, तो एडवर्ड जेनर ने किया। सन 1785 में इन्होंने सिद्ध किया कि गाम सूरी, काउ पॉक्स में दो विभिन्न प्रकार की बीमारियां सम्मिलित हैं, जिनमें केवल एक चेचक से रक्षा करती है। इन्होंने यह भी निश्चित किया कि गोम सूरी चेचक घोड़े के पैर की ग्रीज नामक बीमारी अनुषंगी है। सन 1798 में इन्होंने चेचक के टीके के कारणों और प्रभावों पर निबंध प्रकाशित किया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो 3 सही है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन इसे पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की। ठीक है, एंटनी वैन लीवेन हॉक, विलियम हार्वे, ग्रेगर मेंडेल या फिर रोनाल्ड रोस। तो इसका जो सही आंसर है, देखिए, ऑप्शन नंबर 2 है, विलियम हार्वे। इंग्लैंड के चिकित्सक विलियम हार्वे ने सबसे पहले इस बात का पता लगाया था कि रक्त संचार की पूरी प्रक्रिया एवं उसमें मस्तिष्क की भूमिका की विवेचना की। हार्वे ने अपने विच्छेदन और जीव विच्छेदन के प्रयोगों से शरीर के रक्त संचार प्रणाली का पता लगाया। उन्होंने सबसे पहले दिन दिल की धड़कन का निरीक्षण किया और उन्हें फुफ्फुस रक्त परिसंचरण का पता लगाया। 1628 में एक प्रकाशन एन आटोमिकल स्टडी ऑफ द मिशन ऑफ द हार्ट एंड ऑफ द ब्लड इन एनिमल्स में की। ये मतलब ये प्रकाशन था 1628 का, उसमें इन्होंने बताया। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है, पेप्सिन, रेनिन, इंसुलिन या फिर एमिलास्पिन। ठीक है, तो इसका देखिए ऑप्शन जो सही है, ऑप्शन नंबर 3, देखिए, इंसुलिन। ठीक है, देखिए, पेप्सिन, रेटिन और एमिलास्पिन पाचन एंजाइम की इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय में स्थित लैग्नर हैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है। यह रुधिर में शर्करा का निगमन करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है हमारा। निम्नलिखित में से किस खाद्य फसल में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है, कसावा, सोयाबीन, गेहूं या फिर मक्का। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है, तो इसका जो सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2, सोयाबीन। प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 40% होती है। यह मुख्यतः दलहनी एवं तिलहनी फसल है। सोयाबीन से दूध तैयार किया जाता है जो गायों के दूध के समकक्ष होता है। सोयाबीन के दाने 40% प्रोटीन, 20 से 30% वसा, 30% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन का सबसे प्रमुख राज्य है, कह सकते हैं हम इसको। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग क्या है। निमोनिया का नया रूप सार्स निम्नलिखित में से किस देश से शुरू हुआ, कनाडा, सिंगापुर, चीन या फिर थाईलैंड। निमोनिया का नया रूप सार्स निम्नलिखित में से किस देश से शुरू हुआ, कनाडा, सिंगापुर, चीन या फिर थाईलैंड। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, देखिए, चीन से। निमोनिया का नया रूप सार्स चीन से शुरू हुआ। निमोनिया, ठीक है, फेफड़े का रोग है जो कि स्पेक्ट्रोकोसस निमोनी नामक जीवाणु द्वारा होता है। इसमें रोगी को ठंड लगकर बुखार आता है। सार्स का पूर्ण रूप सीवियर एक्यूट रिस्पेटरी सिंड्रोम है। ठीक है, सार्स, जो सार्स ये इसका फुल फॉर्म क्या है, सीवियर एक्यूट रिस्पेटरी सिंड्रोम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मानव के कशेरुकियों की कुल संख्या कितनी है, 26, 30, 29 या फिर 33। देखिए, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, 33। मनुष्य का कशेरुक दंड 33 कशेरुकों से मिलकर बना है। मनुष्य की पृष्ठ सतह पर मध्य सिरे से लेकर कमर तक एक लंबी मोटी छड़ के समान अस्थि पाई जाती है, जिसे कशेरुक दंड कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4, 33। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। नवजात शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाना चाहिए, जन्म लेने के तत्काल बाद, 48 घंटे के भीतर, 7 दिनों के भीतर, 6 महीने के भीतर। ठीक है, तो BCG, इसका फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं, बैसिलम कालमेट ग्लूरिन का टीका तपेदित या रायछमा TB, इसके बचाव के लिए शिशु के जन्म के तुरंत बाद लगाया जाना चाहिए। यह टीका यदि जन्म के तुरंत बाद न लगाया गया तो शिशु को जन्म के 48 घंटे के भीतर लगाया जाना चाहिए, किंतु जन्म के बाद जितना अवधि अधिक व्यतीत होगा
हो जाएगी, प्रभाव उतना कम होता जाएगा। जन्म के 12 माह बाद BCG का टीका लगाने से कोई फायदा नहीं है, मतलब जन्म के तत्काल बाद ही ये टीका लगाया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। अगर ऐसा कुछ चूकता है तब आप फिर 48 घंटे के भीतर लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, घोड़े और गधे से पैदा जानवर को संकर जाति को क्या कहा जाता है? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है आई थिंक। देखिए, टट्टू, बछेड़ा, खच्चर या फिर जेबरा। तो म्यूल खच्चर कहते हैं उसको। देखिए, अंतरा स्पीजीज संकरण, ठीक है, प्रजनन विधि से किसी स्पीजीज में नरों का संगम किसी अन्य स्पीजीज में मादाओं से किया जाता है। ऐसे संगमों को प्रायः संततियां सामान्यतः या दोनों जनक स्पीजों से विभिन्न लक्षणों वाली होती हैं। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या है, खच्चर। ये तो मान लीजिए आप लोग को एकदम आराम से पता होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से वह प्राणी कौन सा है जिसका स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता? केकड़ा, स्टार फिश, जोक या फिर सिल्वर फिश। तो देखिए, इस ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, स्टार फिश। स्टार फिश एकाई नोडमेंटा फाइलम, ठीक है, का सामूहिक और मुक्त जीवी समुद्री जीव है। स्टार फिश या स्नायु तंत्र तो होता है परंतु उनकी मस्तिष्क नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, रक्त स्कंदन, ठीक है, रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है। रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन कौन सा था? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या फिर विटामिन ई। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम देखिए है फीलोक्लिलोन। यह रक्तस्राव रोधी विटामिन है जो यकृत में प्रोथोबिंब के निर्माण के लिए आवश्यक है। मानव शरीर में इस विटामिन की कमी होने के कारण रक्त का थक्का या रक्त स्कंदन नहीं बनता है, जैसे कि ब्लड वही चोट लग जाने पे ब्लड नहीं रुकता है। तो ये देखिए यहाँ पे इस कमी है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इसका पार्ट 4 था। मैंने आपसे बताया कि कंटिन्यू इसके पार्ट आते रहेंगे क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, आपने लाइक किया तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, तो मैं इसे कंटिन्यू रखूँगा, ठीक है। सारा कुछ आप पे है, अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो मेरा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो प्लीज़ आप वीडियो लोगों लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नीचे फिजिक्स के भी मैंने लिंक दे दिए हैं, फिजिक्स के जितने भी 300+ MCQ हैं इंपॉर्टेंट, वो आप देख लीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। SSC CHSL के ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं, और फेसबुक पे आपको इसका PDF फॉर्म मिल जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो नीचे कमेंट करेंगे तो पक्का मिल जाएगा। तो फेसबुक पेज भी लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किस दूसरे लेसन में। इस लेसन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।